कटिहार नगर थाना क्षेत्र के चन्ना डीप भगवान चौक के समीप धोखे से जमीन खरीदने का मामला सामने आया है। दरअसल एक बुजुर्ग राम नारायण प्रसाद और उनके भाई भगवान प्रसाद के पिता ने दोनों के बीच बंटवारा कर दिया, लेकिन भगवान प्रसाद के निधन के बाद उनके बेटों ने राम नारायण प्रसाद की जमीन पर भी कब्जा कर दिया। इस मामले को लेकर राम नारायण प्रसाद ने अंचल अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं, साथ ही जाँच कर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। बीटी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला है, क्यों मतलब यहाँ सर? हम यहाँ बंदोबस्त जमाबंदी खुलवाने के लिए, मोटेशन कराने के लिए सीओ साहब के आवेदन दिए, वो मेरा आवेदन को रिजेक्ट किए। हमारा भतीजा जो है बोला कि ये सब जमीन मेरे भाई के नाम से है, इसलिए सबका मोटेशन मेरे नाम से कर दिया जाए, जिसको कि वो जमीन को मेरे भाई स्वर्गीय भगवान प्रसाद ने पहले ही अपने पोता के नाम से वसीयत कर दिया है, और आधा जमीन मेरे नाम से बंटवारा में दिया है, जिसको कि हम भी वसीयत करवाए हैं उसको बेटा लोग के नाम पर। और सभी वसीयत में मेरे भाई का दस्तखत है, उनके वसीयत में मेरा दस्तखत है, और वसीयत रजिस्टर्ड हुआ है सर। खरीदारी कौन किए थे जमीन? खरीदारी भगवान प्रसाद ही किए थे जमीन को, जबकि हम लोग साथ में रहते हुए 1985 में खरीदारी हुआ, उस समय हम लोग सब ज्वाइंट फैमिली में थे, मेरे बाप माँ जिंदा थे। आपके पिताजी के ही पैसे से खरीदा गया सर वो सब जमीन, नाम से था वो। हाँ, खरीदारी किया, चूंकि और भी जमीन सब खरीदारी किए थे, तो दोनों भाई के नाम से खरीदारी किए, कुछ जमीन दोनों भाई के नाम से खरीदारी किए, वो कुछ जमीन जो है सिर्फ मेरे नाम से किए, और कुछ जमीन को जो है बड़े लड़का भगवान प्रसाद के नाम से किए वो खरीदारी। बंटवारा हुआ था क्या पूरा जी? वो हम जब जमीन है टोटल का बंटवारा, टोटल जमीन का बंटवारा मेरे नाम से या भगवान के नाम से, सभी का बंटवारा पंचायत में मुखिया और सरपंच के सामने बाप मैं हमारा दो हिस्सा में बंटवा दिए। वो बंटवारा हुआ 1987 में। अच्छा, फिर अब क्या हो रहा? अब जो है उनके मृत्यु के बाद, हाँ भाई के मृत्यु के बाद हमारा भतीजा जो है कह रहा, चूँकि हमारे बाप के नाम से है तो इसलिए सारा प्रॉपर्टी मेरा ही है, जबकि हमारे नाम से जो जमीन था उसमें उनको अपना हिस्सा लिया बंटवारा में, उनको भी उसके उस जमीन से हिस्सा मिला, और उनके जमीन से भी बंटवारा में मेरे पास मेरे नाम से ये किया गया, हिस्सा दिया गया। क्या सीओ साहब वो पंचायत वाला जो भी कागजात है उनको नहीं मान रहे हैं क्या? वो तो मान रहे हैं, मानते तो वो हमारे नाम से कुछ जमीन को मेरे नाम से वो बंदोबस्त किए भी हैं, और अभी फिलहाल जो है किसी प्रलोभन में या किसी चीज़ में आके वो हमारा रिजेक्ट कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं। और उनके नाम से जो बाद संख्या 112 वो दायर किए मेरा भतीजा, उस पर कार्रवाई करके उनको ये कर रहे हैं, मोटेशन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम क्या? चाहते हैं कि जो हम लोग का बंटवारा का जो कागज है उसको अवलोकन करके जो जायज होता है सही में उसके निष्पक्ष जांच करके निष्पक्ष बंटवारा मोटेशन कर दिया जाए, यही हमारा कहना है। क्या नाम है आपका? राम नारायण प्रसाद। कहाँ की जमीन है ये? ये जमीन है देहाती क्षेत्र का है, मौजा देहाती क्षेत्र का है, कटिहार थाना नंबर 81 का जमीन है।